तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी मॉडल पेपर के बारे में। आज किस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पिछले कई सालों में पूछे जा चुके हैं और इम्पॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम आने वाले हैं तो तैयारी भी आपको अच्छे से करनी होगी। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ और समझाने की भी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण समुदाय की व्यवस्था नहीं है? ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा जात व्यवस्था, बी नंबर निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, और सी नंबर सामुदायिक भावना, डी नंबर शिक्षा। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम है बेशक वो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आप नहीं आता फिर भी आप गेस कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी नंबर शिक्षा। ग्रामीण समुदाय की व्यवस्था नहीं है वो है शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म क्या है? ऑप्शन ए है समाज, बी नंबर संस्था, सी नंबर समुदाय, और डी नंबर है कर्मकांड। तो जो धर्म है आपका वो है एक संस्था है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन धार्मिक संस्था नहीं है? ऑप्शन ए के कर्मकांड करना, बी नंबर मूर्ति, सी नंबर एकांत में ईश्वर का भजन करना, और डी नंबर यज्ञ करना। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा धार्मिक संस्था जो नहीं है वो है बी नंबर मूर्ति। ओके दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे वो प्लीज़ आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा या कॉपी पेन आप लेकर बैठिए उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैकाइवर एवं ने जेल को क्या माना है? क्वेश्चन थोड़ा टाइप करने मिस हुआ है, मैं आप लोगों को बोल देता हूँ यहाँ पर क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? तो दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार है ये वाला कि मैका आवर एवं पेज ने जेल को क्या माना है। ओके, टाइप करने में थोड़ा मिस हो गया, मैं आप लोगों से बोलता ही हूँ, टाइप करने में कोई मिस हो जाएगा तो मैं उसे आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक है भीड़, बी नंबर है समिति, और सी नंबर संस्था, और डी नंबर है समुदाय। तो जो मैकावर एवं पेज ने जेल को माना है वो माना है समुदाय, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन समिति है? नंबर एक है विवाह जुलूस, और बी नंबर है एक स्कूल, और सी नंबर एक स्थानीय कल्याणकारी समिति, और डी नंबर है विवाह। तो ये सारे क्वेश्चन समाजशास्त्र के यानी सोशोलॉजी के हैं, तो आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो रेगुलर नहीं किए क्लासेस प्राइवेट से थे उन लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही होगी। तो मैं उनको बता दूं, क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा, उसके बाद दोबारा फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा। ओके, तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक स्थानीय कल्याणकारी समिति। ठीक है, निम्न में से जो जो समिति है वो एक स्थानीय कल्याणकारी समिति है, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि समुदाय एक कैसा समूह है? जो समुदाय है आप लोगों का वो कैसा समूह है? ऑप्शन है कि मूर्त समूह, बी नंबर अमूर्त समूह, और सी नंबर दोनों, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा समुदाय एक जैसा समूह है वो है मूर्त समूह। ठीक है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा मूर्त समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा तत्व संस्था में नहीं होता है? नंबर एक अधिकार, बी नंबर प्रतीक, सी नंबर सामाजिक विरासत, और डी नंबर है ऐच्छिक सदस्यता। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर ऐच्छिक सदस्यता। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से संस्था कौन है? नंबर एक राज्य, बी नंबर है गृहस्थ आश्रम, और सी नंबर धर्मशाला, डी नंबर है परिवार। तो जो निम्न में से कौन सा संस्था नहीं है वो है कौन निम्न से संस्था है सॉरी निम्न में संस्था कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर परिवार। ठीक है, परिवार एक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले भी दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साइड में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। क्योंकि इस चैनल पर मैं इसी से रिलेटेड यानी हिंदी और सोशोलॉजी राजनीतिक शास्त्र से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो अपलोड करता हूँ। शाम को आप प्रत्येक दिन मेरी क्लासेस अटेंड करिए, जो क्लास की टाइमिंग है प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप ज्वाइन करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक संस्था नहीं है? ऑप्शन है विनिमय की रीतियाँ,
बी नंबर संसद की कार्यवाही, सी नंबर सरकार, डी नंबर है राष्ट्रपति का पद। क्वेश्चन कुछ सिमिलर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ इसी तरह के और भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट होगा लेकिन आपको लगेगा कि एक ही जैसा है, लेकिन एक जैसा कोई भी क्वेश्चन नहीं, सारे क्वेश्चन अलग अलग हैं, ठीक है। तो नंबर एक है विनिमय की रीतियाँ, बी नंबर संसद की कार्यवाही, सी नंबर है सरकार और डी नंबर राष्ट्रपति का पद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजनीतिक संस्था नहीं है, क्या है वो, राष्ट्रपति का पद। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संस्था के उद्विकास का प्रथम चरण क्या है। नंबर एक रूढ़िया, बी नंबर प्रथा और सी नंबर विचारधारणा, डी नंबर सामूहिक अनुभव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा विचारधारा, विचारधारणा सी नंबर। ओके अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से कौन नागरीय जीवन एवं सभ्यता के पतन की बात कहते हैं। नंबर एक चर्चिल, बी नंबर मम्फोर्ड और सी नंबर स्पेंगलर और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो नागरीय जीवन एवं सभ्यता के पतन की बात कहते हैं वो हैं, उनका नाम है, क्या नाम है, इनमें से सभी, यानी कि चर्चिल भी कहते हैं, मम्फोर्ड भी कहते हैं, स्पेंगलर भी कहते हैं, इसलिए राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मॉडर्न सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। नंबर एक है नजमुल करीम, बी नंबर है बोगार्ड्स और सी नंबर है सोरोकिन और डी नंबर है बिसंज एवं बिसंज। तो मॉडर्न और सोसाइटी नामक पुस्तक के जो लेखक हैं या रचयिता हैं वो हैं बिसंज और बिसंज जी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ओके ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि समुदाय का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों का समूह से है जो, तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा समान जात के, दो या अधिक गांव में रह रही हैं, और सी नंबर है कि एक भी भूभाग में रह रहे हैं, और डी नंबर औपचारिक रूप से संगठित। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक ही भूभाग में रह रहे हैं, ठीक है। समुदाय का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है, व्यक्तियों का समूह से है जो एक ही भूभाग में रह रहे हैं। ओके ये आप यहाँ पे उठा के पेस्ट कर देंगे तो वो पूरा सेंटेंस बन जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे मिलकर समुदाय बनता है। नंबर एक भारतीय समाज से, बी नंबर भारतीय मूल के निवासी से, और सी नंबर व्यापार संघ आंदोलन से, डी नंबर इलाहाबाद में रहने वाले बंगाली ब्राह्मण से। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जिन स्टूडेंट को मालूम बेशक कमेंट करके बताएं, आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है। ओके तो चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप लोगों को बताना, प्लीज कमेंट करके बताइए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ओके जिन स्टूडेंट को राइट आंसर नहीं मालूम होगा मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट में ही बता दूंगा, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों को पहले बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन एक सामुदायिक जीवन का आधार नहीं है। नंबर एक समान चिंतन, बी नंबर सामुदायिक भावना और सी नंबर समान जीवन निर्वाह का तरीका और डी नंबर सामान्य भूभाग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर सामुदायिक भावना। ओके बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गांव में स्त्रियों की निम्न स्थिति के कारण है। नंबर एक बाल विवाह, बी नंबर शिक्षा, सी नंबर पुरुषों का आर्थिक निर्भरता और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो गाँव में आप लोगों को मालूम है कि जो स्त्रियों में जो कारण है, स्थिति का कारण वो क्या है, वो कारण जो मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ये भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, जनरली क्वेश्चन है ये, बाल विवाह, अशिक्षा, पुरुषों का आर्थिक निर्भरता, ये तीनों कारण है, इसलिए इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से आप समझ लीजिएगा, स्त्रियों के जो कारण है, गाँवों के स्त्रियों का मुख्य स्थिति का कारण है वो यही तीनों, बाल विवाह यानी कि छोटे पे शादी कर दी जा सकती है, और शिक्षा का कोई महत्व नहीं दिया जाता है, शिक्षा बोलते हैं कि बस थोड़ा पढ़ लिया बहुत है गाँव के लोग, और पुरुषों की आर्थिक निर्भरता, ठीक है, ये सब स्थिति के कारण हैं गांव के स्त्रियों के। तो ये क्वेश्चन जनरली है, आपको ऐसे भी याद होना चाहिए, और क्वेश्चन में तो कई बार पूछा ही गया है, ठीक है, तो इसे रट लीजिएगा, इनमें से सही हो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस विद्वान ने भारतीय गांव को एक जीवन विधि माना है। नंबर एक मैकिम मेरियट ने, बी नंबर एफ जी वेली ने और सी नंबर डॉक्टर मंजूमदार ने और डी नंबर है श्री निवास ने। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डॉक्टर मंजूमदार ने माना है, ठीक है, गांव को एक जीवन विधि माना है डॉक्टर मंजूमदार
दान, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अमेरिकन समाजशास्त्री समनर के अनुसार संस्थान का उद्विकास किससे प्रारंभ होता है? तो ऑप्शन एक है लोकाचारों से, बी नंबर विचार से, और सी नंबर जन रीतियों से, और डी नंबर ऑप्शन है कि प्रथाओं से। तो क्वेश्चन फिर से समझिए आप, अमेरिकन समाजशास्त्री, ठीक है, अमेरिकन समाजशास्त्री समनर के अनुसार संस्था का उद्विकास किससे प्रारंभ होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जन रीतियों से, सी नंबर जन रीतियों से उद्विकास प्रारंभ होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से आप परिवार एवं शिक्षण संस्था को क्या कहेंगे? परिवार एवं जो शिक्षा का संस्था है या शिक्षण संस्था है उसको आप क्या कहेंगे? नंबर एक है समाज, बी नंबर है संस्थाएं, और सी नंबर है वंशानुक्रम, और डी नंबर है समुदाय। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, परिवार एवं शिक्षण संस्थाओं को आप कहेंगे संस्थाएं, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ओके तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय धर्म ग्रंथों में कितने प्रकार के गांवों का उल्लेख किया गया है? नंबर एक है 8, बी नंबर 7, और सी नंबर 2, और डी नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय धर्म ग्रंथों को कितने प्रकार के गांवों का उल्लेख किया गया है? उसमें किया गया है सिर्फ 2 गांवों का, ठीक है, इसलिए राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, 2 नंबर। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतने क्वेश्चन, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बेशक कमेंट करके आप पूछिएगा। अभी आप वीडियो स्किप मत करिएगा, देखते रहिए, मैं कुछ बताने वाला हूँ। इस वीडियो मैंने इतने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती, आपको बोरिंग फील होता, इसलिए मैंने कोई कुछ ही कुछ क्वेश्चन थोड़े थोड़े के क्वेश्चन करके आप लोगों को बताता हूँ। फिलहाल मैंने और भी क्वेश्चन बना लिए हैं जो मैं वेबसाइट पर डालूंगा, जहाँ पर आप लोगों को बोरिंग भी नहीं फील होगी पढ़ने में। तो और भी क्वेश्चन मैंने पूरे बना लिए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक है जहाँ पर लिखा है sandeepinfo.com, उस पर आप क्लिक करेंगे वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। वहाँ पर आपको बहुत सारे हिंदी समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ एक बार वेबसाइट को विजिट करिए और वहाँ से भी आप क्वेश्चन आंसर अपने स्टडी के लिए पढ़िए, ठीक है? तो आई होप, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर कुछ भी क्वेश्चन है, कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप बेशक पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम भी चैनल, उससे ज्वाइन हो जाइए, मैं मॉर्निंग में और इवनिंग में 2 टाइम पूरे क्वेश्चन और आंसर की PDF व्हाट्सएप ग्रुप पे डालता हूँ, ठीक है? तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय दोस्तों।